बाद भी प्रत्याशी पहुंच रहे आभार व्यक्त करने। इसी क्रम में लटेरी के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मुशर्रफ साहिद लटेरी पहुंचे, जहां उन्होंने सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। हालांकि वह चुनाव हार गए, उसके बाद भी उन्होंने उन सभी का आभार व्यक्त किया जिन्होंने उन्हें वोट दिए थे। साथ ही उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के मुखिया कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनाए जाने पर उनके द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी लटेरी की जनता को बताया। ऐसी गलतियां मत करो जिसको पे मैं या आप नहीं, ऊपर वाला देखता है। मैं आज कोई गलती करूंगी, ऊपर वाला की आवाज लाठी में आवाज नहीं है, लेकिन देखता जरूर है, समझता जरूर है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या गलत काम कर रहा है। इसलिए मैं सभी उन भाइयों से भी कहना चाहती हूँ, मेरे कांग्रेस के समर्पित भाइयों से, कि आपको कांग्रेस में रहना है तो ईमानदारी से रहिए, आप कांग्रेस के लिए समर्पित रहिए और डरने और धमकने की जरूरत नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि एक कांग्रेस का सिपाही को ये समझना चाहिए कि हम उस कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं जिस पार्टी ने हमारे स्वर्गीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक तन पे धोती पहनकर हाथ में लाठी लेकर इतनी बड़ी शक्तियों से मुकाबला करा था। लटेरी से ग्राउंड रिपोर्टर जितेश जोशी की रिपोर्ट।